सबसे पहले आलू को बॉईल कर लें, बॉईल करके मेस कर लें गरम गरम आलू को। अपन बेसन एक साइड घोल के रख देंगे, उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल देंगे और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें प्याज डाल देंगे और धनिया पत्ती, मिर्ची, सौंफ, जीरे और हल्की थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो कलर भी आ जाएगा और हल्दी खाने में अच्छी भी रहती है। और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारे मसाले को हमें मिक्स करना है और हम इसमें नमक डालेंगे, वो भी स्वाद अनुसार, और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा काला नमक। अब हम इसमें काला नमक ऐड कर दिया है, अब हम इसमें चाट मसाला और डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी जितनी भी इसमें आलू की गिल्टी मतलब वैसा रहेगा उसको भी अच्छे से फेंट लेंगे सारे मसालों को अच्छे से ऐड करके। और अब इसके हम छोटे छोटे से बाउल्स बनाएंगे, बड़े छोटे आप अपने अनुसार बना सकते हैं जो जैसा खाता है, मतलब बड़े बड़े भी छोटे छोटे। और फिर हम इसको बेसन में डिप कर देंगे, बेसन में डिप करके बेसन को अच्छे से लपेट के और हम इसको मीडियम फ्लेम आँच में फ्राई कर लेंगे। इसमें छोड़ दो और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आपको कैसी लगी ये चटपटी सी रेसिपी हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखो तैयार हो गई, इसको बच्चों को हम लंच में सॉस के साथ आलू बड़े रख सकते हैं। और ये